हम दोनों में से बकरी कौन है? फाइनली नेपाल खत्म। गूगल मैप तो ऐसा ही डेंजर रास्ता दिखा रहा है हम लोग को। क्या ऐसे बोलते इस जगह में नहीं है, वो नहीं है, हम लोग आसाम का है, आसाम का होके आसाम आसामी को एक यूपी का बंदा हेल्प करा है। मतलब अल्टीमेटली वी आर इंडियंस, बट यही बोलेंगे आप लोग को। तो थैंक यू यूपी पीपल, हम लोग घुसते यूपी का मदद मिल ही गया हम लोग को। तो सही है। तो अभी भाई लोग का घर में हम लोग चलते हैं अभी, है कि नहीं? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई है। तो अभी हम लोग मतलब फ्रेश हो के अभी पैकिंग वैकिंग करके रेडी हो गया है। अभी नाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो पैकिंग तो हो गया, लोग देख सकते हो। सही है, सब रेडी हो गया साइकिल। तो अभी नाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग निकल गए सब रेडी होके। तो आज थोड़ा लेट हो गया है। तो बोलिए प्रेम से सरगुडे महाराज की जय। चलो तो घूमिए सर। तो हम लोग निकल रहे हैं, तो होटल चढ़ गए हम लोग। होटल चढ़ के निकल रहे हैं हम लोग अभी। तो बहुत ही तेज धूप दे रहा है। हम लोग सोच रहे थे गोरखपुर होके जाएंगे, लेकिन हम लोग गोरखपुर का बॉर्डर नहीं जाएंगे, हम लोग कृष्णा नगर होके बॉर्डर जाएंगे। तो कृष्णा नगर थोड़ा दूर है, यहाँ से 80 किलोमीटर है लगभग। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो पता नहीं हम लोग अभी कहाँ हैं, लेकिन यहाँ से इंडिया बॉर्डर और 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। हम लोग 38 किलोमीटर जैसा आ गया हम लोग, लेकिन बहुत ही तेज धूप है क्योंकि अभी जाके थोड़ा अच्छा लगा है। रोटी खा लेते हैं, आश्रम से लेके बताए पराठे और आलू सब्जी। सही है। तो फिलहाल हम लोग वो हाईवे से लेफ्ट टर्न ले लिया दोनों। यहाँ सब हर जगह इंडिया बॉर्डर ही चिपका हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट तो इंडिया बॉर्डर जाने का वो 30 किलोमीटर जैसा होगा। तो हम लोग वहाँ होके डायरेक्ट कृष्णा नगर लोकेशन तक जाने के लिए सोच रहा है, क्योंकि वहाँ से हरिद्वार थोड़ा सामने हो जाता है, इसलिए वही दिया। लेकिन वो हम लोग का कल वाला जो लोकेशन था वो गोरखपुर था यूपी का, तो इसलिए उस साइड से जाने से हम लोग का और ज़्यादा 200 किलोमीटर और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 200 किलोमीटर स्किप करके थोड़ा अंदर से आ रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी तो हम लोग का हिल्स एरिया से सब निकल गए माउंटेन वाला, तो इतना तकलीफ नहीं हो रहा है। लेकिन एक तकलीफ उससे भी ज़्यादा हो रहा है, जो गर्म बहुत ज़्यादा ही गर्म है। गर्म बोले तो फुल गर्म। तो फिलहाल पाँव में इतना एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन गर्म खींच रहा है, पूरा पाइप लगा के खींच रहा है। तो हम लोग वो जो रास्ते में जो रेस्ट लिया था खाने का टाइम में, तो वही 40 मिनट जैसा रेस्ट लिया। लेकिन हम लोग आसाम का जैसा नहीं है ना इधर, आसाम में तो जल्दी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, सनसेट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 7 बजे के बाद होता है। तो 6:30 बजे तक तो आपको यहाँ में धूप ही मिलेगा। तो वही है, गर्मी गर्मी गर्मी, और ये गांव के अंदर से आते हुए। अभी हम लोग ये गांव का साइड से जा रहा है, पूरा गांव का अंदर, पूरा गांव वाला फीलिंग। पूरा गांव वाला फीलिंग। हरिओम, एक मंदिर दिख गया, हरिओम। ओ फिर से थोड़ा ऑफ रोड, थोड़ा नहीं ज्यादा ही। क्या करेगा, जाएगा ना, जा सकेगा ना आराम से। चेहरा ढक लो पूरा, आराम से पूरा ऑफ रोड हो गया फिर से। हम लोग शॉर्टकट ढूंढते क्या शॉर्टकट आ गया, रे बाबा। ए जो भी हो चलेगा, ये साइकिल तो दौड़ेगा। क्या हो भाई, बैठ दिया? देख नहीं रहा है कितना गर्म है, बाप रे कितना। 45 जैसा लग रहा है, डिग्री जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा ही गर्म है इधर। हाँ भाई फुल गर्म है, आप लोग देख सकते, बहुत गर्म। आजा बकरा बकरा कहो, चोरू नमजी बा टिको।
हम दोनों में से बकरी कौन है? गांव को बीचों बीच नेपाल जैसा तो नहीं लग रहा है ये, लेकिन हम लोग अभी नेपाल में ही है, नेपाल जैसा नहीं लग रहा है। पूरा खेतों के बीच बीच में से जा तो पानी खत्म हो गया है, थोड़ा मांग के देखते हैं गांव पे क्या होता है। अरे पानी मिलेगा पीने का पानी? हाँ, वो थोड़ा लेके भी जाएंगे हाँ, बोतल में। बोतल में? हाँ जी। हाँ बोतल। हाँ जी लो बोतल। होगा ना पीने का पानी? मुँह बोतल लो। पंखा बिगड़ल। आप लोग ने ताई जी का घर पे बैठ गया पानी के लिए, तो पानी देंगे अभी, बैठने के लिए बोला है। वो बोतल लेके आया। तो ये रहा आंटी जी, हम लोग को बिस्कुट दे रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया पार्ले जी, बिस्कुट धन्यवाद बहुत बहुत। एकदम छोटा वाला सही है, आज ही दिखाई दे इतना साइज का वाला यहीं गांव में, एकदम छोटा वाला सही है। छोटा नहीं खाई पार्ले जी। ताऊ जी नमस्ते, निकलते हैं फिर कभी मिलेंगे। तो आज शायद मिलने का वो था जी, नहीं तो पता नहीं था ऐसे मिलेंगे, बल्कि पानी खत्म हो गया इसलिए घुस गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके तरफ से, बिस्कुट बिस्कुट खिलाया। ठीक है ठीक है। बात हो सकते हैं निकल जाने, बात तो सब मिल जाता। निकल रहे अभी गांव से, क्या रास्ता है सही में। बहुत ही डेंजर धूप, अभी थोड़ा छाव के बैठे, दोपहर का खाना खा लेते, कोई रोटी सब्जी, आलू सब्जी रोटी। गांव का सही सीन आ रहा है। जो भी हो आप लोग देख सकते हो, आज तो गांव वाला फीलिंग पूरा दे दिया, पूरा अंदर से आ रहा है यहाँ का। खेला गूगल मैप तो ऐसा ही डेंजर रास्ता दिखा रहा है हम लोग को। ये तो क्या ये तो अंदर का रास्ता ही दिखा रहा है। वो तो वो रास्ता से जाने से दिक्कत हो जाएगा, मतलब पता नहीं आगे क्या है। गूगल मैप तो दिखा रहा है ये इतना गली वली भी, तो इसलिए अभी घूम के आ रहा है। थोड़ा लॉन्ग कट भी हो जाए, देखते हैं कहाँ वहीं से जाते हैं। अभी जब ससुरा गईलू कै बज दिया बुतैलू भतार तक का कैलू हो गया हो गया इतना ही। ये कौन कौन सा भाषा का गाना है? ये इंडिया का भाषा, इंडिया का यूपी। हाँ। यूपी तुम लोग यहाँ रहता है? इंडिया बगल वाला गांव में। इंडिया जाता है? हाँ, अभी तो गया था इंडिया। अभी इंडिया से आया? हाँ, सही है। मतलब कोई फर्क नहीं है, ये छोटा इंडिया ही है। सही है। तो नेपाल कैसा लगा? कैसा लगा मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत गर्मी है यार। अरे यहाँ का छोड़ो, अभी तो हम लोग वो इंडिया का बॉर्डर घुसने वाले हैं हम लोग। हाँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है, है कि नहीं? हाँ, बॉर्डर घुसने में नज़दीक ही है। नज़दीक ही है। ये आज हो गया हम लोग का खेल, सही है। तो आज हम लोग अभी फिलहाल छोड़ने वाले हैं नेपाल। तो लास्ट टाइम हम लोग इन बच्चे लोग के साथ खेल लिया। फाइनली नेपाल ख़त्म, फाइनली एक ड्रीम हम लोग का ख़त्म हो चुका है, जो नेपाल वाला राइड। अगर ये भाई नहीं होता तो मेरा नेपाल का राइड भी ख़त्म भी नहीं होता और स्टार्ट भी नहीं होता।
तो ये भाई के वजह से हो, मतलब ये ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा नहीं, 200 मीटर है, इंडिया घुस जाएंगे, वहाँ से यूपी और यहाँ नेपाल। तो आप लोग को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जो ये इंडिया और मतलब इंडिया और नेपाल, जो यूपी और नेपाल का बॉर्डर को जो डिवाइड करता है, आप लोग देख सकते हो वो वाला जो वाइट वाला जो है ना, क्या स्तूपा या क्या बोलते हैं नहीं मालूम, जो भी वो स्टेचू है, जो भी वो पिलर है, पिलर, वो पिलर ही ये डिवाइड करता है। तो उस साइड में होता है इंडिया और इस साइड में होता है नेपाल। फाइनली नेपाल राइड एंड हियर, एंड्स हियर। सो देखते अभी कब नेपाल आएंगे तो पता नहीं है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा इंडिया, तो ये रहा नेपाल, तो हम लोग कहाँ में, बीच में ये वाला। तो अभी जाते हैं इंडिया। की हल पढ़ी ली बुकार हमाल है नी की हमाल है ए कुने उठा लो। हाँ उठे, गिर गया, अभी जा रहा है उठाने के लिए उसको। तो हम लोग अभी पूरा बॉर्डर पे है, तो इस साइड में मैं आ गया, ये वाला है इंडिया। ओके, तो आप इस साइड में जाऊंगा, मेरा साइकिल खड़ा है, वाला है नेपाल। तो फाइनली बाय बाय नेपाल, बाय बाय। अभी इंडिया पे प्रथम बार, तो फाइनली हम लोग अभी इंडिया पे है। तो क्या करना है, फर्स्ट रूल, हम लोग का फर्स्ट रूल क्या था, इंडिया घुसने के बाद ही हम लोगों का तिरंगा लहराना है। अभी ये रहा, अभी का तिरंगा लहराएगा, क्योंकि नेपाल में ऑर्डर नहीं दिया था। तब ये लग जाएगा यहाँ पे इंडिया। तो भारत माता की जय, सही है। तो अभी नेपाल का राइड ख़त्म हो गया है, तो कल से हम लोग का न्यू राइड स्टार्ट होगा, वो भी यूपी राइड। तो यूपी राइड स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो आज हम लोग यूपी में ही है अभी, लेकिन यहाँ में मतलब आज अभी शाम हो गया है, तो होटल में ये देखते हैं कहाँ ठहरेंगे। अभी कोई आटा पता नहीं है कितना दूर है। फर्स्ट थिंग अभी हम लोग को एटीएम जाना है, तो यहाँ से दूर है, मे बी नहीं, दूरी है। तो लोकेशन चार्ज करना पड़ेगा। अभी हम लोग यूपी में ढूंढ रहे हैं। तो यूपी राइड स्टार्ट्स नाउ, दिस इज यूपी। तो फिलहाल हम लोग ये यूपी घुसने के बाद हम थोड़ा दूर आ गया, तो भाई लोग ने रुका के थोड़ा फ़ोटो लिया था। तो अभी मतलब आपका नाम क्या बोला था, आनंद या यूपी का, भाई का आपका नाम मेहता, और ये भाई का नाम अरविंद। तो सबको हाय हम लोग का आसाम के तरफ से। तो मतलब क्या बोलेगा, हम लोग इंडिया सब भाई भाई है। तो ये भाई लोग ने अभी हम लोग को रुकने के लिए बोला, इन लोगों के घर में खाना पानी ठीक कर देंगे। तो मतलब क्या बोलेंगे, नेपाल छोड़ा यूपी आया, यूपी में ऐसा मतलब ह्यूमिनिटी, क्या बोलेंगे, ह्यूमिनिटी बहुत है। मतलब इंडिया में हम लोग ऐसे बोलते इस जगह में नहीं है, वो नहीं है, हम लोग आसाम का है, आसाम का होके आसामी को एक यूपी का बंदा हेल्प करे, मतलब अल्टीमेटली वी आर इंडियंस, बट यही बोलेंगे आप लोग को। तो थैंक यू यूपी पीपल, हम लोग घुसते यूपी का मदद मिल ही गया हम लोग को। तो सही है। तो अभी भाई लोग का घर में हम लोग चलते हैं अभी, है कि नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ भाई का घर पहुँच गए, तो पानी दे रहा है और आंटी जी ने बिस्किट दिया है, बिस्किट दिखा दो आगे लेके दिखा दो। तो सही है, थैंक यू। तो चाय जबरदस्त था ना, मस्त लगा, मतलब आने के बाद ही तुरंत ही हमको चाय पानी बिस्किट सब कुछ मिल गया। इंडिया घुसते ही नेपाल भी वैसे मिला था, लेकिन तो सही रहा। अभी थक गया है, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, खाना खा के फिर हम लोग तुरंत सवेरे निकल जाएंगे। ये भैया को भी मिल गया, अभी हम लोगों को 200 रुपया दिया।
तो थैंक यू भैया इतना प्यार देने के लिए हम लोग को यूपी से। तो सब ये सब यूपी का बंदा है यहाँ में, अंकल सब यहाँ में, फिर ये बच्चे लोग भी अभी तक रुका हुआ है हम लोग के साथ, कितना मतलब क्या बोलता है साहस दे रहा है हम लोग को पूरा। तो हम लोग खाना पीना रहना सब कुछ मैनेज करके दे रहा है, तो फैन वैन सब ठीक करके दे रहा है, तो सही है। तो हम लोग का आसाम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हम लोग यहाँ के रहने वाले जो भी लोग हैं, आपके सहयोग में जो भी लोग खड़े हैं, हम लोग पूरे लोगों की तरफ से आपको, आपके माता पिता को, आपके आसाम वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे होनहार जो वहाँ के लोग हैं, इंडिया टूर में आए हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, आपके आसाम के लोगों को धन्यवाद देते हैं, और आपका हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोग का डिनर तैयार हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को यहाँ में दे रहा है ये भाई आंटी जी। That's all for today. Good night. Bye bye. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.